उधर की तरफ घूम रहे भैया, इधर आओ। लॉकडाउन में दिमाग भी है ना, लॉकडाउन हो गया है ठीक है। पता है आज अपन क्या बोले तो 9 से मल्टीप्लाई करने की एक से ट्रिक सीखने वाले हैं, है ना। किसी भी नंबर में आप जो है 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे 9 कितने टाइम आया हो, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत इजी और बहुत ही कम टाइम में हम 9 का मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। तो कैसे, देखते रहिए। ये देखो 99 का हमें 6 में मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 99 का 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो आप सब छोड़ो, इस 9 का इस 6 में मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना रहेगा, 9 6 जा 54, तो ये 54 लिख दिया मैंने, बीच में गैप है, तो ये बच्चा वाला जो 9 है यहाँ पे लिख लो, ओके। इसके बाद ये वाला 9 है ना, अगला यानी 999 में 7 का मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 963 होता है, तो 63 लिखा ये, ठीक है। बचे हैं ये दो 9 बचे हैं, तो ये 9 9 लिख दिए यहाँ पे, सिंपल है ना। अब इसके बाद क्या है, अरे भैया इसके बाद तो 3 बार 9 है, सॉरी 4 बार 9 है। देखो ये 3 वाला कर दिया, 4 बार करेंगे, 4 बार 9 है, 9999 में 8 का मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल, 9 एंड से कितना होता है 72, तो 7 और 2 लिखा यहाँ पे, ओके। और बीच में गैप है, बाकी कितने 9 बचे हैं भैया हमारे पास, 1 2 3 टाइम 9 बचे हैं, तो ये तीनों के तीनों 9 को यहाँ पे उतार दो, ओके। इसके बाद अगला नंबर तो और भी बड़ा है ना, ये देखो अगला नंबर हम 5 9 99 1999 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही कम टाइम में। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस 9 का मल्टीप्लाई इस 9 से कर दो, तो 99 से कितना होता है 81 होता है ना, 8 और 1 लिख दिया हमने, सिंपल क्लियर। अब बाकी बचे कितने 9 लिया, 1 2 3 4 9 बचे है ना, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 बार 9 लिख लिया। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना ये सही है या गलत, तो आप कैलकुलेटर उठाओ और खटखट खटखट मल्टीप्लाई करो, है ना। अब भाई हम हमेशा कहीं भी कैलकुलेटर थोड़ी उठा के बैठेंगे, तो हमें दिमाग में भी तो आना चाहिए। तो सीखने के लिए आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, खेल खेल में आप मैथ सीख जाओगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।